नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर पंजाब से। हरियाणा के सिरसा के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिंग जांच करने का पर्दाफाश करते हुए वीरवार देर शाम सीआईडी और सीआईए स्टाफ को साथ लेकर मोगा में मेडिसिटी अस्पताल में छापा मारा, जहां विभाग के मौके पर दो ऐसे युवकों को हिरासत में लिया जो महिलाओं के बच्चा लिंग की जांच करते थे। विभाग ने मौके पर ही मोगा स्वास्थ्य विभाग की टीम और मोगा पुलिस को बुला सारी कार्रवाई की, जिस पर हरियाणा से पहुंची सेहत विभाग की टीम मोगा सहित विभाग की टीम को कार्रवाई करने के लिए कहा। वहीं विभाग ने दो महिलाओं सहित चार को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया। अस्पताल के मालिक जो डॉक्टर हैं और स्कैन करने वाले डॉक्टर पर कार्रवाई करने की सिफारिश की। यह कार्रवाई देर रात तक चलती रही। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर रुपेश कुमार को। कालामाली से कोई ग्रोह है जो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन के लिए लोगों को पंजाब के अंदर लेके जा रहा है, उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक्ट करते हुए सीआईए स्टाफ के साथ और सीआईडी सिरसा के स्टाफ के साथ हमने फॉलो किया। एक गिरोह का जो हमारे सदस्य थे दर्शना देवी, जो कालामाली में ऑपरेट करती हैं, उनका पीछा करते हुए हमारा डिकॉय ऑपरेशन था। एक अपना हमने एक ग्राहक बनाया था, एक ग्राहक उनका अपना था, उनको लेके वो यहाँ मोगा के पास पहुँचे हैं। तो हमने मोगा की अथॉरिटीज़ जो है अथॉरिटीज़ उनसे हेल्प मांगी, तो इमीजिएटली सीएमओ साहब ने हमारे को तीन आदमी जो हैं अपने भेज दिए यहाँ पे, जो बिग बैन के पास हमारे को मिली यहाँ पे आगे टीम। वहाँ से दोनों का जॉइंट ऑपरेशन था और हमने आगे जब वो कॉल को फॉलो किया तो यहाँ मोगा मेडिसिटी हॉस्पिटल में पहुँच गए। हमारा जो डिकॉय था, जब उसका अल्ट्रासाउंड हो गया तो बाहर आके उसने इशारा कर दिया कि मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया और दूसरे बंदे का चल रहा है। तो हमने दूसरे बंदे का अल्ट्रासाउंड होते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लिंग जांच करने के 15,000 रुपए लिए जाते थे। क्या डॉक्टर सिर्फ कमाने के लिए धंधा करते हैं? डॉक्टरों को लोग भगवान मानते हैं, मगर आज कुछ डॉक्टर चंद पैसों के लिए अपना मान सम्मान बेच रहे हैं। यह थी मोगा से हरपाल सिंह के साथ विपिन ओकारा की खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल voiceofindia.net।